फर्स्ट अपन ये बॉर्डर बना के रखेंगे। लास्ट टाइम अपन ने हाउस की बुक में ड्राइंग की थी, अब कॉपी में करेंगे। ट्राइंगल सभी जानते हैं, तो सबसे पहले आप चाहें तो स्केल की हेल्प से बना सकते हैं, और अदरवाइज आप सिंपल बनाना चाहें तो आप सिंपल बना सकते हैं। एक डॉट रख के और एक ट्राइंगल बनाना है आपको। मैं फ्री हैंड ड्राइंग करूँगी। एक ट्राइंगल बनाएंगे पहले। इसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, तो ये हमारा हट का शेप आ गया। हट है तो एक डोर होगा, तो एक डोर के लिए फिर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और विंडो के लिए भी दो छोटे रेक्टेंगल हम बना लेंगे। ये डोर खोलने के लिए लगा दिया, और यहाँ पर ऐसे करके हम स्क्वायर्स बना दे रहे हैं। ये हमारे विंडो का पार्ट हो गया। यहाँ बुशेस लगाने के लिए हम बस सिर्फ सी ऐसे बनाते जाएंगे, अनइवन। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक से होना चाहिए। इसी की लाइन पे एक लाइन लगा देंगे जो हमें कलर करने के लिए हेल्प करेगी, और डोर के आगे से एक रास्ता शो कर देते हैं। यहाँ पर पहले एक लाइन लेंगे, उसके बाद लाइन को इस तरह से टर्न करके इसको बंद कर देंगे, और यहाँ पर ये हम चिमनी बना दे रहे हैं, जैसे कि पुराने घरों में लगी रहती हैं। और तो देखिए, हमारी मेरे ख्याल से सीनरी कंप्लीट हो गई है। एक मून बना देते हैं इस तरीके से, माने एक सी लेकर और हमने इसको इस तरीके से दूसरा सी बना के कंप्लीट कर दिया। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये बड़ा लग रहा है मुझे। अब इसकी जो लाइंस है उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। तो इस तरीके से हम सब लाइन क्लियर कर लेंगे, और इसके बाद हम इसकी आउटलाइन करेंगे। जो ड्राइंग बनाई हुई है उस पे आउटलाइन करेंगे, क्योंकि अब हमारी आउटलाइन भी कंप्लीट हो गई है। जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको हम इरेज कर देंगे, जिससे कि हमारी सरफेस है वो क्लीन हो जाए। अब हम कलर करना स्टार्ट करते हैं। कलर आप लोग अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लाइट कलर यूज़ कर लेते हैं, जो कि हम एक तो मून में लेंगे, दूसरा इसकी विंडो में लेंगे। ये हमने लाइट कलर यूज़ किया। एक ग्रीन कलर थोड़ा यहाँ पर ले रहे हैं, एक लाइन बस। जो लाइट ग्रीन कलर है उसको हम यहाँ ऊपर ले रहे हैं, ये देखिए हाफ में लिया,
और हाफ में इससे थोड़ा सा डार्क वाला ग्रीन कलर लिया है और इन दोनों कलर को मर्ज कर दिया। तो ये वाले कलर हमने यूज़ किए, जो रास्ता है जो पाथ है उसमें हम ब्राउन कलर यूज़ कर रहे हैं। और इसमें वापस हम लाइट ग्रीन कर रहे हैं। तो इतना ये हमारा हो गया। ये हमारे पास अब डीप ब्लू है। डीप ब्लू को हमें यूज़ करना है। यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स छोड़ सकते हैं जिसमें हमको कलर नहीं करना है। ऐसे करके हम स्टार्स के अकॉर्डिंग छोड़ देते हैं जिसमें हम कलर नहीं करेंगे। इसके आसपास से कलर करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। तो हम पहले इसी को ऐसे सर्कल बना के छोड़ देते हैं जहां हमें कलर नहीं करना है। एक ही डायरेक्शन में करिएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं चलाइएगा, बिल्कुल लाइट हैंड से ही चलानी है। तो ये हमारा ये बैकग्राउंड हो गया। अब हमारा हाउस का टर्न आता है। हाउस में आप चाहें तो अपने हिसाब से कैसे भी कलर कर सकते हैं। इसमें इसका कलर ओपन किया, इसमें ऑरेंज ले लेते हैं। और इसके गेट में भी ऑरेंज कर लेते हैं। इसमें पर्पल कलर कर देते हैं। आप अपनी लाइकिंग के अनुसार हट में कोई भी और कलर भी डाल सकते हैं। आउटलाइन पहले ज़रूर कर दीजिएगा, अदरवाइज क्रियॉन्स के ऊपर आउटलाइन नहीं आती है। इसमें पिंक कलर कर दे रहे हैं। तो सीनरी तो हमारी जो हमारा हाउस है
वो एक सीनरी की तरह कंप्लीट हो गया। अब हमारा बॉर्डर आता है। अब बॉर्डर में मेरे ख्याल से ये रेड कलर अच्छा रहेगा, रेड या ऑरेंज आप कोई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा आउटलाइन वाला पार्ट आता है जो कि हमको कंप्लीट करना है। जहाँ पे हमारे स्क्वायर्स हैं यहाँ पर पॉइंट्स लगाइए जिससे कि हमारी लाइन बाहर ना जाए। अब इस पॉइंट पे आके हमको ये लाइन रोक देना है। ये देखिए इस तरीके से, जिससे कि हमारी आउटलाइन है जो वो बाहर नहीं जाएगी। ये हमारा हाउस कंप्लीट हो गया है।